गुड इवनिंग एवरीवन। हाय गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। होमवर्क कर लियो आप लोग। होमवर्क कर लियो आप लोग। ओके यस सर। okay. थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है ओके सर। ओके। कौन से जीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ कमलप्रीत? जीपीपी नंबर कैपेसिटेंस सर जो कैपेसिटेंस की है ना स्वीट में उस वो वाली डीपी सर। जीपीपी नंबर याद है? जीपीपी या मॉड्यूल? डीपीपी सर। जीपीपी सर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाली है ना वो वाली। हाँ ओके ठीक है। एक दिन मैं डिस्कस कर दूंगा उसको। ठीक है यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? यस सर। हाँ, कल का किसी का डाउट है क्या? कल का क्वेश्चन जो था होमवर्क, उसमें नो सर। नो हो कल गया नहीं था थे सर? सॉल्व। यस सर। सभी यस का हो सर। गया था। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग जो करने वाले हैं ना, आज अपना जो टॉपिक है वो है देखो, हम लोग क्या करेंगे, दो कैपेसिटर को एक वायर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना? कनेक्टिंग टू कैपेसिटर विथ वायर। और दूसरा है टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है? देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक, इससे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। जेई मेन की बात करें तो इससे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है? और इससे ज्यादा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी इससे, इस टॉपिक से ज्यादा है। ठीक है? तो इसमें कुछ है नहीं, दो तीन फार्मूला है। ठीक है? उसको याद कर लेंगे हम लोग, उससे क्वेश्चन जेई मेन का हो जाएगा। ठीक है? तो देखो क्या होता है इसमें, कि क्या करेंगे हम लोग, कि दो कैपेसिटर रहेगा मेरे पास। मान लो कि कैपेसिटर एक ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। ठीक है? एक कैपेसिटर ये, दूसरा ये, मान लो C1 और ये C2। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, दोनों कैपेसिटर को पहले चार्ज कर देंगे। मान लो कि ये कैपेसिटर को V1 से चार्ज कर दिया गया, इस कैपेसिटर को V2 से चार्ज कर दिया गया। ठीक है? तो जैसे ही चार्ज करेंगे, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा।
दोनों कैपेसिटर क्या हुआ, फुल्ली चार्ज हो गया। मान लो इस पे प्लस क्यू आ गया और इस पे माइनस क्यू वन आ गया, इसी तरह इस पे प्लस क्यू टू आ गया और इस पे माइनस क्यू टू आ गया। अब जैसे ही ये दोनों चार्ज हो गया तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को एक वायर से दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी होगा पॉसिबिलिटी, जो भी होगा वो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक है कनेक्टिंग टू कैपेसिटर विथ वायर, तो देखो इसमें कुछ थ्योरी वगैरह है नहीं, कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला है ये कि एक कैपेसिटर C1, ठीक है, एक कैपेसिटर C1 अपना, इसको हमने क्या किया, V1 पोटेंशियल से चार्ज किया, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर अपने पास ये आया, ये C2, और इसको V2 से चार्ज किया गया है, ठीक है, ये क्लियर है। C1 को V1 से सी चार्ज किया गया है, C2 को V2 से टू चार्ज से किया चार्ज गया। किया। हाँ, अब क्या होगा कि मान लो कि इस पे प्लस क्यू आ गया होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज आया होगा जो भी आया होगा जितना भी, और इस पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करना है कि इस दोनों को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने का दो केस हो सकता है। तो पहला केस ये हो सकता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक C1 ऐसा और नीचे C2 बना लेते हैं, नीचे C2, इसका प्लस यहाँ था, इसका माइनस यहाँ था, इसका प्लस यहाँ ले लेते हैं, इसका माइनस यहाँ, यानी इसको जब हम कनेक्ट कर रहे हैं ना वायर से, तो ऐसे कर रहे हैं कि एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है, निगेटिव प्लेट निगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये केस 1, ये केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है, पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड विथ विथ पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, क्लियर है। दूसरा ये केस हो सकता है, केस 2, यस केस टू ये हो सकता है अपने पास, केस 2 कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो सकता है ना, ठीक यस है। मान लो ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस, ये प्लस, इसको ऐसे कनेक्ट किया गया, ठीक है, ये इसको ऐसे कनेक्ट किया गया, क्लियर है। सर इसमें यस क्या था कि पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड विथ निगेटिव प्लेट, क्लियर है। पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट किया गया है निगेटिव प्लेट से, ठीक सर ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्या था इनिशियल, अगर बात करें, अभी मान लेते हैं कि स्विच ओपन है, ठीक है, यहाँ पे स्विच बना लेते हैं, ये मान लो स्विच है, ठीक है, स्विच ओपन है, यहाँ भी स्विच क्या है, ओपन है, ठीक है, स्विच क्या है, ओपन है। तो जब स्विच ओपन था तो इसका कैपेसिटेंस 2 C1 था, इसका भी, इसका C2 ले लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो था V1 था ना, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था, V2, बिल्कुल इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस V2, ठीक है, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, क्लियर है ये। अब जैसे ही स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, देखो जब तक स्विच ओपन है तब तक तो इस पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये इसी तरह से रहेगा, ये फुल्ली चार्ज है अपना, इस पे जो चार्ज है C1 V1, इस पे जो चार्ज है C2 V2, उसी तरह यहाँ पे C1 V1, इस पे C2 V2, ठीक है। जब ये स्विच ओपन है तो ये अपना स्टेडी स्टेट में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्विच बंद करेंगे, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, कोई बताओ क्या होगा, स्विच जैसे ही क्लोज करेंगे तो सोचकर बताओ, जब स्विच क्लोज करेंगे तो क्या हो सकता है,
बताओ, सोच पा रहे हो? जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, बताओ? सर चार्ज चिराग, फोन हाँ क्या होगा? चार्ज, चार्ज चार्ज फ्लो फ्लो, करेगा। चार्ज फ्लो करेगा। और कोई बताओ, चिराग? बोलो। देखो, चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन चार्ज क्यों फ्लो करेगा, बताओ? चार्ज फ्लो करेगा, ये तो सही है, और चार्ज क्यों फ्लो करेगा और कब तक फ्लो करेगा? क्या चार्ज फ्लो करते रहेगा इसमें? जब तक सर चार्ज बैलेंस नहीं हो सकता सर, नहीं, तुम चार्ज बैलेंस नहीं, थोड़ा सा सर गलत हो जब गया फुली तुम्हारा। हाँ बोलो। चार्ज हो जाएगा तब तक सर चार्ज फ्लो करेगा। फुल्ली चार्ज, फुल्ली तो पहले ही, दोनों तो चार्ज है ना, C1V1 C2V2 से जब चार्ज किया गया तो पहले तो फुल्ली चार्ज है दोनों, पहले से ही। देखो, चार्ज फ्लो करेगा जब तक, जब तक कि दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है? कल भी बताए थे ना, अगर कोई एक कैपेसिटर को किसी बैटरी से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज कब तक फ्लो करता है? जब तक कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल उस बैटरी के का जो पोटेंशियल है उसके बराबर ना हो जाए, ठीक है? उसी तरह इसमें भी सेम यही होगा, सेम वही होगा कि जब तक चार्ज फ्लो करेगा तब तक कि इस दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी देखो, इनिशियली इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, ठीक है? चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है? मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ चार्ज निकलना शुरू होगा Q, ठीक है? Q निकलना शुरू होगा, इसके पास आएगा। सेम इस केस में ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ से Q निकलना शुरू होगा और इसके पास होगा। ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इस दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये V1 V2 से दोनों कॉमन पोटेंशियल पे ना आ जाए, ठीक है? दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएगा। जैसे ही दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आएगा, क्या होगा? चार्ज का फ्लो करना बंद हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? हाँ। तो देखो, आगे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं फिर से, कि अपने पास ये था, ये था, ठीक है? जैसे ही स्विच क्लोज कर दिया गया है, ये C1 C2, और इस दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, क्लियर? ठीक है, ये पहले प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, दोनों सेम पोलारिटी में था। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अभी रहने दो, ठीक है? तो देखो, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब दोनों का जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा, अब तो देखो, जो इनिशियल चार्ज पहले था इस दोनों पे, वो तो चार्ज नहीं रहेगा ना। अब चार्ज क्या हो जाएगा इस पे? C1 × V, इस पे क्या हो जाएगा? C2 × V, Q इक्वल टू CV होता है ना। जैसे ही पोटेंशियल दोनों का V V हो गया, इस पे चार्ज हो जाएगा C1 × V, इस पे चार्ज हो जाएगा C2 × V। हाँ, पीछे देखो, इस पे चार्ज था C1 × V1, इस पे चार्ज था C2 × V2। चार्ज चेंज हो गया ना, चार्ज दोनों पे चेंज हो गया। तो देखो, अब इसमें फाइंड आउट करना है दो चीज। अगर हम फाइंड आउट करने की बात करें तो पहले हमें अगर भी पता चल गया तो दोनों पे फाइनल कितना चार्ज होगा वो तो पता चल जाएगा ना। अगर मान लो हमें, यस हाँ, भी पता चल गया, इनिशियल तो चार्ज पता है कि इनिशियल चार्ज दोनों पे कितना था पहले, ठीक है? फाइनल की बात करें तो अगर हमें भी पता चल गया तो चार्ज पता चल जाएगा दोनों पे। तो देखो, जब दोनों को सेम पोलारिटी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो उस केस में जो भी कॉमन आता है ना, भी कॉमन, भी सी लिख देते हैं, ठीक है? इसको भी सी लिख देते हैं, भी कॉमन, ठीक है? दोनों के क्रॉस सेम हो गया ना, तो कॉमन ले लेते हैं। भी कॉमन इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। क्या फॉर्मूला हो जाता है? C1 V1 प्लस
प्लस सी टू वी टू बाई सी वन प्लस सी टू, क्लियर है? यस सर, तो ये ई कॉमन ये आ जाएगा। तो अगर हमसे पूछे कि कोई चार्ज कैपेसिटर वन पे चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर वन, ठीक है, कैपेसिटर वन पे जो फाइनल चार्ज हो गया वो हो गया सी वन इंटू बी सी, यही ना, उसी तरह यस से सर। उसी, हाँ इसी तरह कैपेसिटर टू पे जो फाइनल चार्ज हो गया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी टू इंटू बी सी, सर, हाँ। तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, कुछ हीट का लॉस होगा, ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो, ये चार्ज फ्लो करेगा ना, तो ये वायर है, देखो इसमें भी रेसिस्टेंस है लेकिन हम लोग यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस यहाँ पे भी है, तो क्या होगा कि फाइनल कुछ हीट का लॉस होगा, और वो जो हीट लॉस होता है ना उसका फॉर्मूला ये आता है, हीट लॉस, देखो इस सब का प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ नहीं कर रहे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, उस सब का कोई जरूरत भी नहीं है। जो हीट लॉस होगा ना, एनसीईआरटी में भी देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, हीट लॉस जो हो जाएगा इस प्रोसेस में वो हो जाएगा हाफ सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर, जो भी बड़ा होगा स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, अगर निगेटिव भी होगा तो, अगर मान लो वी टू बड़ा हो गया तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हीट लॉस का ये फॉर्मूला हो जाएगा, याद रहेगा ये, इस यहाँ से क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों, देखो जो देखोगे पिछले 4-5 सालों में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आया, इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला से, ठीक है, हीट लॉस या कॉमन पोटेंशियल या फाइनल चार्ज के केस में, क्लियर है ये? सर। ये अपने पास क्या था, केस वन था ना, ये अपना केस वन था ना, ये था अपना केस वन, ये था केस वन, ठीक है, केस टू देख ले, केस टू में क्या करेंगे हम लोग, केस टू में करेंगे पॉजिटिव प्लेट को निगेटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, क्या हो जाता है, ठीक है, तो हाँ देखो ये था अपना, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव प्लेट, इसके नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, ये था अपना सी वन, ये था सी टू, फाइनल क्या होगा, इसका भी पोटेंशियल भी कॉमन पे आ जाएगा ना, ये केस टू है, ठीक है, ये केस वन था, फाइनल क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल वी सी, तो इस केस में जो वी सी होगा ना वो आता है वी सी इक्वल टू सी वन वी वन, जो पहला इनिशियल पोटेंशियल था, माइनस सी टू वी टू, देखो हमें तो पता नहीं ना कि सी वन वी वन बड़ा है या सी टू वी टू, हो सकता है ये पॉजिटिव भी आ या निगेटिव भी आ सकता है ना, तो हम यहाँ पे मॉड ले लेते हैं, ठीक है, मॉड ले लेते हैं, हाँ मॉड ले लेते हैं, यानी हमें पॉजिटिव ही लेना है, बाई सी वन, मॉड का मतलब समझ रहे हो ना, मॉड लेने से क्या होगा, अगर निगेटिव भी आएगा तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, हाँ, तो वी सी क्या आ जाएगा इसमें, सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, उसी तरह अगर मान लो क्यू वन फाइनल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सी वन इंटू वी सी, उसी तरह क्यू टू फाइनल क्या आ जाएगा, C2 सी टू इंटू वी सी, ठीक है। into अब इसमें भी हीट लॉस होगा, इसमें जो हीट लॉस होगा, हीट लॉस इसमें जो हीट लॉस होता है उसका फॉर्मूला आता है हाफ सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, ये तो सेम ही रहेगा लेकिन यहाँ पे आ जाता है वी वन प्लस वी टू, समझ रहे हो ना, VC। यस सर।
यहाँ देखो ये प्लस था, ये प्लस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आया, ठीक है। तो इसमें हीट लॉस क्या आ गया, ये क्लियर है। यस। तो देखो अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला स्टार लगा दें यहाँ पे भी। अच्छा ये बात बताओ कि दोनों केस में, एक तो केस ये था अपना और दूसरा ये है, दोनों केस में किसमें हीट लॉस ज्यादा हो रहा, सेकंड केस में सेकेंड केस में क्यों? उसमें प्लस है सर वोल्टेज। हाँ ठीक है, देखो इस केस में हीट लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जब हम दो कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करें कि एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट हो, ठीक है, और दूसरे पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो उस केस में क्या होता है, हीट लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, हीट लॉस ज्यादा होगा, ठीक है, समझ आ गया ना, ये क्लियर है, ये बात फॉर्मूला याद रहेगा ना, दोनों दोनों फॉर्मूला याद रहेगा ना, दोनों केस का, केस वन केस टू, जब दोनों को सेम पोलारिटी में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा जा सकता है कि दे आर कनेक्टेड इन सेम पोलारिटी, ठीक है। सेम पोलारिटी मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। अगर लिखा हो कि दे आर कनेक्टेड इन अपोजिट पोलारिटी या रिवर्स पोलारिटी, तो इसका मतलब समझ लेना कि एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे भी कॉमन आ जाएगा फाइनल चार्ज आ जाएगा दोनों पे, ठीक है। और हीट लॉस का फॉर्मूला ये होता है, अगर हीट लॉस अगर याद भी नहीं रहता ना हीट लॉस, तो भी हीट लॉस निकाल सकते हो। हीट लॉस होगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है। हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस क्या होता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो देखो इनिशियल एनर्जी तो निकाल सकते हो ना, इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर बात करें इस सिस्टम का इनिशियल एनर्जी, तो हो जाएगा इस दोनों का एनर्जी अपना अपना, हाफ सी वन बी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू बी टू स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ई वन इनिशियल जो हो जाएगा हाफ सी वन बी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू बी टू स्क्वायर, दोनों केस में यही होगा ना, इस केस की बात करें या इस केस की बात करें, दोनों केस में तो इनिशियल यही होगा एनर्जी, क्लियर है। हाँ अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल इस केस में क्या हो जाएगा, बताओ तो कोई, फाइनल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल कॉमन हो जाएगी। हाँ पोटेंशियल को कॉमन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हाफ सी वन बी सी के स्क्वायर प्लस हाफ सी टू बी सी स्क्वायर, यही होगा ना, यह ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यस सर। सेम उस केस में यहाँ पे, तो जैसे ही देखो ई फाइनल ई इनिशियल आ गया ना, तो हीट लॉस आएगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, अगर तुम सॉल्व भी करोगे ना तो यही इक्वेशन आएगा, ठीक है, यही इक्वेशन आएगा, इस केस में ये आएगा, इस केस में ये आ जाएगा, क्लियर है, यस सर, ओके। यस सर। चलो अब क्वेश्चन करें इस पे, क्वेश्चन कर लोगे ना, यस चलो कोई दिक्कत किसी को बोलो, समझ में नहीं आया होगा तो। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कोई केस में कि इनिशियली एक को चार्ज किया गया दूसरे को चार्ज नहीं किया गया, ठीक है। इनिशियली मान लो इसको बी वन से चार्ज किया गया, इसको चार्ज नहीं किया गया, तो बी टू क्या आ जाएगा, जीरो होगा ना, बी टू क्या हो जाएगा, जीरो, जी ठीक है, बी टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी जब हम फॉर्मूला में यूज करेंगे सी वन बी वन प्लस सी टू इंटू जीरो, तो ये जीरो ही हो जाएगा, मान लो कि इनिशियली इसको चार्ज किया गया बी वन से और इसको चार्ज ही नहीं किया गया, ठीक है, ये अनचार्ज था पहले, तो उस केस में जब बी कॉमन आ जाएगा सी वन बी वन, ये तो जीरो ही जाएगा बाई सी वन प्लस सी टू, क्लियर है। यस सर। सेम इस केस में ये तो सब सेम ही रहेगा, बी वन माइनस बी टू यानी बी वन माइनस जीरो का स्क्वायर यानी बी वन स्क्वायर, क्लियर है।
तो कोई एक भी चार्ज जा सकता है और कोई दोनों भी चार्ज हो सकता है इनिशियली, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करो। मैसेज कर देना अगर किसी का हो गया तो। सर सेकंड ऑप्शन 4 to 5 वोल्ट। 4 to 5। यस सर। ओके अनमोल प्रीत कमल प्रीत हो गया 4.25, ये आ रहा दो का। और कोई? सर मैंने भी बोला। हाँ 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 कमल प्रीत अनमोल प्रीत, ठीक है दोनों का हो गया। और कोई बताओ, यही है या कोई और है? गगन बी, सभी का बी ही आ रहा, यानी यही सही होगा शायद। यस और किसी का आया? चिराग। बी, ठीक है ठीक है। तो देखो इसमें बोला है कि दो सॉल्व करते हैं। चलो देखो इधर जिनका भी हो गया वो भी देखो। बी ठीक है। हाँ तो यहाँ पे बोला है कि दो कैपेसिटर था, ठीक है दो कैपेसिटर था, एक 3 माइक्रोफेराइड का, ठीक है। इसको चार्ज किया गया है कितने वोल्ट से? 300 वोल्ट, ठीक है। हाँ दूसरा कैपेसिटर था अपने पास, ये था 5 माइक्रोफेराइड का, इसको चार्ज किया गया है 500 वोल्ट से, ठीक है। और बोला है कि दोनों को कनेक्ट टूगेदर। देखो जब भी कुछ लिखा ना हो ना कि कैसे कनेक्ट किस पोलारिटी में, तो क्या लेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व किए तुम लोग बताओ, किस केस का सॉल्व किए हो? सेम पोलारिटी, ठीक है। जब भी कुछ ना लिखा हो ना कि किस पोलारिटी में किया गया, तो हम लोग क्या लेंगे, सेम पोलारिटी लेकर चलेंगे, ठीक है। इसी तरह सॉल्व किए हो ना, सेम या अपोजिट? सेम सेम, ठीक है। हाँ तो सही है। तो जो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, वी कॉमन का जो फॉर्मूला आता है, अगर सेम पोलैरिटी में कनेक्ट किया गया, ठीक है, तो जो वी कॉमन का फॉर्मूला आता है, ये मान लो 3 माइक्रोफेराइड का है, ये 5 माइक्रोफेराइड का है, ठीक है। इसका कॉमन पोटेंशियल वी सी हो गया, तो ये आ जाएगा सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू बाई सी वन प्लस सी टू, ठीक है। तो वी कॉमन आ जाएगा, सी वन कितना है? 3। देखो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिवाइड भी कर रहे हैं ना, सी वन ऊपर भी है सी वन नीचे भी है, सी ऊपर भी है सी नीचे भी है, तो वो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो 3 × 3 × 300 प्लस 5 × 500 बाई 300 प्लस
एंगल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25, ये 9, ठीक है। ये आ जाएगा 25 एंगल, ये 9 एंगल, कितना आ गया, 34 ना, ठीक यस है, बाई। सर आपने नीचे गलत नहीं कर दिया, यस सर, 3 + 5। बोर्ड ओ अप। या हाँ, चलो चलो सॉरी, यहाँ पे C1 + C2 आएगा, यस सर। ये आएगा C1 + C2, ठीक है। तो 3 + 5 बाय। 8, ठीक है, ये तो नहीं आएगा ना, यही है ना। यस सर। तो इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, 425, सही है। हाँ यस सर, 425 वोल्टेज। चलो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं और चीज यहाँ पे समझने के लिए, कि इस पे चार्ज इनिशियली कितना था, इस कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज कितना था, 3 × 3 900 माइक्रो कूलम ना, ये यस माइक्रो सर, फेराइड में है, तो ये इस पे था प्लस, मान लेते हैं कि इस पे +900 माइक्रो कूलम और इस पे -900 माइक्रो कूलम, ठीक है। माइक्रो कूलम। हाँ, उसी तरह इस पे देखो, इस पे चार्ज कितना था, 25 एंगेज ना, यस यस, सर, माइक्रो कूलम, और इस पे -25 एंगेज माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इनिशियली चार्ज इस पे 900 था, इस पे 25 एंगेज था। अब अगर हम बात करें कि दोनों पे फाइनल चार्ज कितना आया होगा, ठीक है, तो इस पे फाइनल चार्ज कितना आया बताओ, इस पे फाइनल चार्ज कितना आया होगा 3 पे, 3 × 425। 3 × 425, सॉल्व करो कोई, कितना आएगा बताओ, सॉल्व करके 3 × 425। सर 1275। यस सर, 1275। 1275। ओ ओके, तो -275, ठीक यस सर, 275। है। नीचे वाले पे सर सर, 2125। यस सर, 2125। ठीक है, तो यहां देखो, जब इनिशियल हम बात करें तो इनिशियली क्यू टोटल कितना था, क्यू इनिशियल टोटल कितना था, 900 + 25 एंगल ना, 25 यस। कितना आ गया, 3400। 3400। 34 एंगल। क्यू फाइनल कितना हो गया टोटल, क्यू फाइनल टोटल 1445,000। 4400। कितना गया, 4400। ये था 1275 + 2175, कितना गया, 34। यार कुछ गलत क्यों क्या, तुम लोग कुछ गलत क्यों, 100 आएगा सर, कितना आएगा, 3400 ही आएगा, ठीक है, वही तो यस सर, चार्ज कंजर्व है ना, देखो चार्ज कंजर्व है ना, यस सर, इनिशियल चार्ज जो था टोटल वही फाइनल है ना टोटल, ठीक है। तो चार्ज ये आपस में ही क्या किया है, एक्सचेंज किया है, ठीक है।
इसमें देखो पहले था 3 माइक्रोफेराइड पे 900, अब कितना हो गया 1275, ठीक है, और इस पे कितना था 2500, ठीक है 2500, अब इस पे हो गया 2125 ना, तो चार्ज किधर गया, यहां से यहां गया ना, देखो इस 5 वाले पे 25 था, ठीक है, अब घट गया, तो चार्ज किधर गया, इधर गया, ऐसे गया ना, चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है ना, yes. और चार्ज फ्लो कितना हो रहा है बता सकते हो, चार्ज फ्लो कितना होगा, तो चार्ज फ्लो तो कोई एक पे देख लो ना, किसी एक पे पहले देख लो, इस पे अगर हम देखें तो पहले था 2500, ठीक है, अब इतना बचा, तो ये माइनस ये इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज किसी एक पे कर देते हैं, क्या बोलो, यस सर, तो चार्ज फ्लो निकल जाएगा ना, ये करोगे 25 माइनस 125 2125 है ना, तो ये आ जाएगा 2125, ठीक है, कितना आ गया देखो 2375 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि चार्ज फ्लो इन द सर्किट, ठीक है, तो चार्ज फ्लो इन द सर्किट क्या हो जाएगा, ये होगा ना, चार्ज फ्लो इन द सर्किट यही आएगा ना, यस, तो देखो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ क्या किया है, वी कॉमन पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या किया, सिर्फ वी कॉमन पूछा है, फाइनल चार्ज भी पूछ सकता है और चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट भी पूछ सकता है, इसमें हीट लॉस भी पूछ सकता है ना, हीट लॉस भी आ जाएगा ना, हाफ सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू बाई इंटू वी वन प्लस वी टू का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ये, तो देखो yes, क्वेश्चन में तो सिर्फ एक चीज पूछा था, सिर्फ कॉमन पोटेंशियल ये, ठीक है, सिर्फ कॉमन पोटेंशियल हम लोग ने क्या दिया, इनिशियल चार्ज टोटल फाइनल निकाल लिया, उसके बाद चार्ज फ्लो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, कि सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज फ्लो करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक कैपेसिटर को ले लेंगे, उस पे इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज देख लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो वो चार्ज फ्लो आ जाएगा 275 है ना, ठीक है 275, ठीक है, तो आ जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मान लो कि ऐसा यहाँ पे दे देता है ए बी, पूछता कि चार्ज किधर फ्लो किया, ए से बी या बी से ए, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि चार्ज फ्लो किस डायरेक्शन में करेगा, ए से बी या बी से ए, तो किधर करेगा, ए से बी, ठीक है, क्लियर है, यस सर, यस सर, तो एक ही क्वेश्चन में जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता था हम लोग देख चुके हैं, अब आगे भी क्वेश्चन है इस पे करो एक एक मिनट ये रुक जाओ, हाँ ये करो पहले, ठीक है ये करो, ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है, ठीक है,
हुआ किसी का? करके देख रहे हैं 2 मिनट। ओके हो जाना चाहिए था अभी तक। नहीं हुआ सर हमसे। नहीं हुआ। सर वॉइस लैग कर रहा था क्या? यस सर अब सही है? अभी अभी यस सर अभी सही है। सही है? किसी से नहीं हुआ ये? नो नो सर। सर। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, क्या समझाओ तो कोई, क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, कोई बोलो एक, कोई सी एक वन कोई बोल। कैपेसिटेंस, हाँ C1 दिया हुआ है। हाँ C1 दिया हुआ है, B1 भी दिया हुआ है सर, हाँ C1 B1 दिया हुआ है और BC भी दिया हुआ है सर, B कॉमन दिया हुआ है। और कुछ पूछा C2 क्या भी आज फाइंड आउट करना है। सुने? हाँ, क्या पूछ रहा है? C2 से C2 पूछ रहा है, V2 दिया हुआ है, बताओ V2 के बारे में कुछ बोला है? अनचार्ज कैपेसिटर अनचार्ज है, V2 के बारे में बोल चुका है, अनचार्ज है, यानी V2 क्या होगा? जीरो। जीरो जीरो। अब सॉल्व करो, अब आ जाएगा, यस सर। करो सॉल्व। टू पॉइंट फाइव वन सर। 2.5 पॉइंट आ रहा फाइव है। यस सर ओके। देखो 2.5 माइक। क्या बोला है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराइड, ठीक है, 10 माइक्रोफेराइड का है, चार्ज टू पोटेंशियल 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट से चार्ज किया गया, नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन अनचार्ज कैपेसिटर, ठीक है, अनचार्ज यानी उसका V2 0 होगा और इसका कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यही पूछ ही रहा है। द रिजल्टेंट पोटेंशियल, जैसे ही कनेक्ट करेंगे ना दोनों को, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो गया? 40 वोल्ट हो गया, ठीक है, यानी बी कॉमन क्या आ गया? 40 वोल्ट।
पूछ रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर यानी सी टू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी सी हो जाएगा सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू बाई सी वन प्लस सी टू, तो बी सी कितना दिया हुआ है 40 वोल्ट और सी वन क्या दिया हुआ है 10 और बी वन कितना दिया हुआ है 100, सी टू नहीं मालूम है और बी टू जीरो, ठीक है, सी टू नहीं मालूम है और बी टू जीरो, तो ये तो जीरो ही हो गया और नीचे 10 प्लस C2, क्लियर है। तो जब इसको yes, सॉल्व करोगे ये yes, इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 40 10 प्लस C2 इक्वल टू 1000, ठीक है। यहाँ से देखो एक से एक गया, तो ये 40 प्लस 4C2 इक्वल टू आ जाएगा, तो 4C2 आ जाएगा 60, तो C2 सही है ना, तो C2 तो आ गया 15 आया ना, बोलो कहीं गलत नहीं ना हुआ है, बोलो 2.5 कैसे आया था सर? अगर फाइन जो सी टू अगर जीरो है तो C2 भी तो जीरो ही होगा ना सर? ये सब पूरी टर्म जीरो ही हो जाएगा था? नहीं, ऊपर वाले टर्म जीरो होगा, नहीं ये टर्म जीरो होगा। देख लो यार यहाँ पे देखो C2 के बारे में तो हमें मालूम नहीं ना, यहाँ थोड़े V2 है, ये जीरो होगा ना, ऊपर वाले देखो C1 V1 प्लस है ना ये, तो ये टर्म जीरो जीरो होगा ना, ये पूरा टर्म जीरो होगा ना, ये तो बचेगा ना 10 × 100 1000 क्या, बोलो यस सर सही है ना, सही है। तुम लोग क्या कर दिए थे बताओ, समझाओ सर। 1000 को हमने नीचे डिवाइड ऊपर रखकर 10 × 40 के डिवाइड कर दिया था। नहीं 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 ये ऐसे होगा C2 × V2 V2 जीरो है ना, तो ये टर्म सिर्फ जीरो होगा ना, इतना ये तो बचेगा ना, ये तो बचेगा ना, ठीक है। तो C2 कितना गया ये, तो आंसर ये है इसका, क्लियर है? यस यस सर। तो देखो एक क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन भी देखो सिर्फ पढ़ लो, इसको होमवर्क में करना, ठीक है, इसको होमवर्क में करना है, लिख देते हैं यहाँ पे, होमवर्क में करना है। इसमें लिखा है दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड अदर इज V2, और यहाँ पे बोला है नेगेटिव एंड ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टूगेदर, व्हेन द पॉजिटिव एंड आर कनेक्टेड द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम। तो डिक्रीज इन एनर्जी वही होगा ना जो हीट लॉस में जाएगा, एनर्जी का डिक्रीज वही होगा ना जो हीट लॉस में, यानी यहाँ पे हीट लॉस पूछता है, ठीक है, हीट लॉस पूछता है, ठीक है, तो हीट लॉस पूछा है। और दोनों कैसे कनेक्टेड है, देखो कनेक्टेड कैसे है, निगेटिव एंड ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टूगेदर, ठीक है, यानी कैसे कनेक्टेड है पता चला? यस सेम पोलारिटी में, सेम यस सर, ठीक है ना, निगेटिव निगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से, क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। यस सर। एक ये रहा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, ठीक है, इसमें बोला है कि ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी सी इज कनेक्टेड टू बैटरी एंड चार्ज टू पोटेंशियल वी, ठीक है, एक सी को पहले चार्ज किया वी से, दूसरा 2C था उसको चार्ज किया गया कितने से, 2V से, ठीक है, हाँ, द चार्जिंग बैटरी आर रिमूव, अब बैटरी को हटा लिया गया और दोनों को कनेक्ट किया गया है इन सच अ वे दैट पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू निगेटिव प्लेट ऑफ अनदर, ठीक है, कैसे कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा है, इसमें क्या पूछा है, हीट लॉस नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, समझे, तो फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे, ये फाइनल कैसे निकालोगे, जो भी भी पहले तो भी कॉमन निकालोगे ना, यस सर, और ये हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, ठीक है, इनटू वी कॉमन था स्क्वायर, यही होगा ना, यस सर, या ऐसे लिख दो, ये फाइनल इक्वल टू हाफ C1 वी कॉमन था स्क्वायर प्लस हाफ
सी टू वी कॉमन था स्क्वायर, यहीं से ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, कर यस लोगे ना ये यस दोनों? चलो यस ठीक सर, कर है, तो इस टॉपिक का ये दोनों होमवर्क था अपने पास, और ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, अब देखो एक अलग टॉपिक, दूसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, दो तीन या चार पैरेलल प्लेट को एक साथ रखेंगे और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि समझो कि मान लो मेरे पास एक प्लेट है, एक ऐसा प्लेट है, एक ऐसा प्लेट है, मान लो इसका दोनों का एरिया ए है, ठीक है, और इस दोनों के बीच डिस्टेंस डी है, और हमसे पूछे कि ये पॉइंट पी और क्यू, पी और क्यू के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो देखो पी और क्यू के अक्रॉस तो एक ही कैपेसिटर है ना, पी और क्यू यस मिलके, दो प्लेट मिलके तो एक ही कैपेसिटर बना सकता है ना। सर, ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वही होगा ना। यस सर, ठीक है, तो ये आ गया। अगर हमें ऐसा मान लो दे दे कि, दूसरा ले लेते हैं कि एक दो तीन प्लेट ऐसे दे दे, तो तीन प्लेट कितना कैपेसिटर बना सकता है ये बताओ, दो दो बन जाएगा ना यहाँ पे, एक तो ये मिलके बनेगा और फिर ये दोनों मिलके एक बना लेगा। ठीक है, यस अगर हमसे मान लो कोई पूछे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालो पी क्यू के अबाउट, तो देखो इसमें क्या करते हैं ना, देखो सिंगल वाला तो इजी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री। ठीक है, वन टू और थ्री, समझ गए, हमें किस दोन दो नंबर के बीच निकालना है, वन और थ्री के बीच ना। ठीक है, यस सर, तो सबसे पहले दो पॉइंट ले लेना, एक वन और दूसरा थ्री। ठीक है, यही पॉइंट पी था वन वाला और ये क्यू था। अब देखो जो भी पॉइंट बचेगा ना उसको बीच में ले लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही पॉइंट है दो, ठीक है ना, वन और थ्री तो आ गया, अब क्या बचा, एक टू बचा ना, टू यस बचा ना, तो टू को कहीं बीच में ले लो। अगर एक और पॉइंट आता मान लो थ्री थ्री भी रहता तो उसको भी कहीं ले लेते। ठीक है, तो ये टू यहाँ आ जाएगा। अब देखो ध्यान देना, अब ध्यान देना कि देखो वन और टू, ठीक है, वन और टू के बीच एक कैपेसिटर है ना, यानी वन और टू के बीच एक कैपेसिटर है, क्लियर है, वन और टू के बीच एक कैपेसिटर। अब टू से थ्री पे आओ तो देखो टू और थ्री के बीच भी एक कैपेसिटर है ना, यस टू और थ्री के बीच भी एक कैपेसिटर है, तो ऐसे। अब ये दोनों कैपेसिटर क्या हो गया, सीरीज में हो गया ना, अगर पी और क्यू के यस अक्रॉस निकाले तो ये दोनों कैपेसिटर सी। ठीक है, अगर मान लो तीनों का एरिया सेम है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो अगर ये कैपेसिटर सी होगा तो ये भी सी होगा ना। ठीक है, तो ये सी और ये सी, ये दोनों सी सी क्या हो गया, सीरीज में हो गया ना, और सीरीज में सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी प्लस वन हाँ, या दो के केस में क्या लेते हैं, दो के केस में सी इक्विवेलेंट कैसे भी लिखते हैं ना, सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू लिखते सी हैं ना, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सी बाई टू। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी बाई टू, क्लियर है। यस और हम सी को क्या लिख सकते हैं, सी को ऐसे लिख सकते हैं ना, सी तो एक का था ना, तो सी हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही ना। ठीक यस सर, है, तो यहां से आ जाएगा सी इक्विवेलेंट हाफ, ठीक है, हाफ और सी के जगह लिख दो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, नो सर, ये क्लियर है ना, ये समझ आ गया ना। यस सर, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इस बार चार ले लेते हैं। ठीक है, एक
सबके बीच डिस्टेंस सेम ही है और सबका एरिया सेम ही है, ठीक है। एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, क्लियर है ना। सभी के बीच डिस्टेंस ए ही है। अब मान लो इस दोनों को कनेक्ट किया गया, ऐसे मान लो कि ये पॉइंट पी है और ये क्यू है, इस दोनों के बीच हमें निकालना है। और देखो ऐसे कर दिया गया है, ये कनेक्ट कर दिया गया, या ऐसा कर लेते हैं ना हम लोग। और चलो वही करते हैं, इस दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे देखो या एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, तो देखो इसमें इस दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। अब हम लोग सेम स्टेप करेंगे, समझाते हैं। देखो क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, ठीक है, क्लियर है ना। यस सर, यस सर, यस सर। हमें किस किस दो के बीच निकालना है, पी और क्यू के बीच वन निकालना है ना, टू और थ्री के बीच, ये है ना, ये पी था और ये क्यू, ऐसा लिखा रहेगा। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पी एंड क्यू, तो टू और थ्री हो गया ना, टू यस और थ्री, ठीक है। तो टू और थ्री को हम लोग लिख लेंगे ऐसे। अब बचा दो पॉइंट ना, वन और फोर ना, फोर वन और फोर बचा ना। तो यस देखो वन और फोर बचा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वन और फोर, ठीक है। लेकिन हम लोग देखो वन और फोर ऐसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो दिखाया गया है, अगर देखो ये दोनों कनेक्टेड नहीं रहता ना, ये दोनों अगर कनेक्टेड नहीं रहता तो हम ऐसे ही लेते, वन फोर को अलग अलग लेते, ठीक है। लेकिन देखो वन को और फोर को क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। वन और फोर को क्या किया गया है, वायर से कनेक्ट किया गया है, यानी वन और फोर का पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए हम इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। इस दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझो, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही पॉइंट पे वन को भी ले लेंगे और फोर को भी ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है। यस सर, अब देखो कितना कैपेसिटर है, एक दो और तीन, तीन कैपेसिटर बनेगा ना, चार लाइन है तो, ठीक यस है। तो देखो वन और टू के बीच एक है, ठीक है, तो वन यहाँ पे है और टू यहाँ पे है, यानी इस दोनों के बीच एक कैपेसिटर है, ठीक है। अब देखो टू और थ्री के बीच एक है, टू और थ्री के बीच थ्री एक है, किस किसका आवाज आ रहा है, ये किसका माइक ओपन है, ठीक है। देखो टू और थ्री के बीच एक है, तो टू यहाँ है और थ्री यहाँ है, तो इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, टू और थ्री के बीच एक, क्लियर है, सही है। यस और सर, देखो थ्री और फोर के बीच एक है, ठीक है, तो थ्री यहाँ है फोर यहाँ है, यानी ऐसे। और सबका डिस्टेंस और एरिया सेम है, तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा और ये भी सी होगा, और सी क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। अब बताओ ये कॉम्बिनेशन कैसा है, मिक्स कॉम्बिनेशन है ना, यस ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में है सर, और इसके साथ पैरेलल में, ठीक यस है। तो इस दोनों का क्या हो जाएगा, सी बाई टू, इस दोनों का सी बाई टू, ठीक है। तो एक सी और नीचे दूसरा सी बाई टू, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में ना, ठीक पैरेलल, है। तो अब दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सी प्लस सी बाई टू करोगे तो थ्री सी बाई टू आ जाएगा, ठीक है। और थ्री सी बाई टू को ऐसे लिख सकते हैं ना, थ्री बाई टू सी के जगह, ठीक है, यस सर, क्लियर है। एक यस क्वेश्चन दे, सर, सॉल्व करोगे, बोलो क्वेश्चन दे, यस सॉल्व सर, करोगे, यहीं पे देते हैं, ठीक है।
सेम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चार ही रंग देते हैं इसको, ठीक है। एरिया सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। अब मान लो हम इस दोनों को कनेक्ट किए, ठीक है, और ये पी और ये क्यू, इस दोनों के बीच निकालना है। चलो कैलकुलेट करो। करो सॉल्व। हुआ किसी का? करो कर रहे हैं सर। करो तुम लोग। खुद से करो, इधर नहीं देखना। थ्री बाई टू सी आएगा क्या है? थ्री बाई सेम ही आ रहा है क्या? सेम ही आ रहा है, देख लेते हैं। देखो वन टू टू थ्री, नहीं सेम नहीं आएगा। ये दोनों पहले हो जाएगा सी सी टू सी और ये सी टू सी बाई थ्री है। टू सी बाई थ्री, यस। ये सी सी हो जाएगा टू सी और ये सी, ठीक है। तो इसको हटा के एक लगाओगे तो ये फिर हो जाएगा टू सी बाई थ्री। क्लियर है? यस सर। हाँ जी बोलो, समझ आया? यस सर। सभी का हो गया? क्या ही कर लिया खुद से? सर मुझे नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। कर देते हैं। और कोई? किनका किनका हो गया? किनका किनका टू सी बाई थ्री आ चुका है? मेरा आ गया सर। चिराग, चिराग टू सी बाई थ्री, ठीक है। और किसी का? मेरा भी आ गया सर, टू सी बाई थ्री। टू सी बाई थ्री, ठीक है। देखो क्या है ना इसमें कि देखो नंबरिंग किए वन टू थ्री फोर, हमें निकालना है टू और थ्री फोर के बीच, ठीक है। तो सबसे पहले टू यहाँ पे आ गया कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे फोर आ गया। अब बचा वन और थ्री, और देखो कि वन और थ्री क्या आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। वन और थ्री क्या है आपस में कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है इसका मतलब क्या हो गया, वन और थ्री को हम एक ही पॉइंट पे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट पे, इस दोनों के बीच में इस पॉइंट पे वन और थ्री को ले लिए। अब देखो वन और टू के बीच एक है, तो वन यहाँ पे है टू यहाँ पे है, यानी इस दोनों के बीच एक है कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं समझाने के लिए। इस दोनों के बीच एक कैपेसिटर है वन और टू के बीच। दूसरा देखो टू और थ्री के बीच एक है, तो देखो टू तो यहाँ है और थ्री भी यही है, यानी इस दोनों के बीच एक और कैपेसिटर है, ठीक है। तो दूसरा कैपेसिटर इस तरह से लगेगा,
ठीक है, 1 और 3 के बीच, और तीसरा कैपेसिटर है वो 3 और 4 के बीच है, ठीक है। तो 3 यहाँ है और 4 यहाँ पे है, तो इस दोनों के बीच एक, और हमें इसके अक्रॉस निकालना है। तो जैसे ही देखोगे तो कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है, ये हो गया सी सी, ये दोनों सी क्या है, आपस में पैरेलल में, तो कैपेसिटर पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटर पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी सी 2 सी, और ये सी यहाँ पे बचा हुआ है। अब ये दोनों 2C और C क्या आ गया, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में आ गया तो सीरीज का फॉर्मूला यूज करोगे, C1 × C2 / C1 + C2, तो वहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, यस समझ आ गया। चलो खुद से अब करो ये क्वेश्चन। थ्री सी आएगा, क्या 3C। थ्री सी? यस ओके देख लेते हैं। और किसी का आया 3C? 3C यानी तीनों पैरेलल में। यस सर। देख लेते हैं, देखो ये नंबरिंग सही है ना, 1 2 3 4, हमें निकालना है। देखो 1, देखो 1 और 3 कनेक्टेड है, ठीक है, तो 4 पॉइंट है, 1 और 3 कनेक्टेड है, ठीक है, 1 और 3 कनेक्टेड है, और 2 और 4 कनेक्टेड है, ठीक है, 2 और 4 कनेक्टेड है, हमें इसी पॉइंट के बाद निकालना है ना। 1 3 दो, देखो कनेक्टेड है, दोनों पॉइंट ए ही है, देखो 2 और 4 कनेक्टेड है, और ये पॉइंट बी है, इसी दोनों के बीच निकालना है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 के बीच एक है, ठीक है, 1 और 2 यहाँ, यानी एक कैपेसिटर ऐसा, ठीक है, दूसरा 2 और 3 के बीच, तो 2 और 3 के बीच तो ऐसा, ठीक है, और तीसरा 3 4 के बीच, तो वो ऐसा आ जाएगा, ये सी सी सी, ठीक है। देखो एरिया दे दिया है ए, और डिस्टेंस दे दिया है, यानी सी जो होगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो तीनों क्या चीज में आ गया, पैरेलल में ना, यस तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा ना सिंपली, यस ये आएगा ना, क्लियर है। यस सभी को आ गया ना ये, आगे सर। बढ़े। यस सर। ये करवा चुके हैं ऐसा दोनों, हाँ ऐसा तो करवा चुके हैं। चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, ये दोनों होम हो जाएगा ना। यस हाँ देखो, अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है वो समझ लेते हैं, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट, ठीक है, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट। तो मान लो मेरे पास कैपेसिटर है एक, जिसका कि एरिया मान लो ए है, इसका भी एरिया ए है, ठीक है,
इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब देखो जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, इस पे प्लस क्यू है, ऐसे एक तरह से ये सीट है ना, ठीक है, एक तरह से ये क्या है, सीट है, और ये सीट, इस सीट पे प्लस क्यू चार्ज है क्योंकि इसके पास एरिया है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का होगा ना सीट, ठीक है, लाइन तो नहीं है ना, ऐसा सीट है ना, ऐसा इस पूरे पे चार्ज है प्लस, ठीक है, ऐसा है। तो जब ये सीट है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज, तो ये आपस में क्या करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करना चाहेगा ना, आपस में अट्रैक्शन होगा ना, आपस में अट्रैक्शन होगा ना दोनों में। तो जैसे ही मान लो अट्रैक्शन का टेंडेंसी दोनों में है, तो वही हमें निकालना है कि इस दोनों में अट्रैक्शन होगा तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इस पे लगा रहा होगा, इस पे इधर लग रहा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस प्लेट के कारण, ठीक है, इस प्लेट के कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो एक मान लो ये क्यू चार्ज है, तो इस पे एक टर्म डिफाइन करते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर इसका एरिया ए है तो सिग्मा जो होता है वो होता है क्यू बाई ए, ये पता है ना, सिग्मा जो होता है क्यू बाई ए, ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू क्यू बाई ए होगा। और किसी इनफाइनाइट सिग की बात करें तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रीजन में वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। तो देख लो अगर हम मान लेते हैं कि इस चार्ज के कारण, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। तो इसके कारण हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये चार्ज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस पे फोर्स आ जाएगा ना। अगर मान लो, अगर मान लो यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा इसके कारण, तो इसके कारण यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स हो जाएगा इस पे क्यू इंटू ई, इसका चार्ज इंटू इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ठीक है, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको क्यू के टर्म में लिखे तो क्यू के टर्म में क्या आ जाएगा, क्यू के टर्म में जो ई आएगा, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए ना, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट ये होगा ना, यस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस यहाँ पे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसका चार्ज, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज तो इधर फोर्स लगाएगा दिखा रहा है, तो इसका चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसका चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ गलत किया है क्या, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है ना, फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, यस सर, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन होता है, एक के कारण तो टू होता है ना, तो ये टू हो जाएगा ना, ठीक है, क्लियर है, यस सर। हाँ, तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, ठीक है, अगर चार्ज क्यू है दोनों कैपेसिटर पे, क्यू चार्ज है तो उस दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो लगेगा क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, याद रहेगा ये फॉर्मूला, याद कर लेना इसको, ठीक है, यस सर। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, कि मान लो एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो है प्लेट फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, और इस प्लेट को एक रस्सी से ऐसे दीवार में बांध दिया गया है, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, तो पूछा है ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसका एरिया ए है, ठीक है, एरिया दोनों का ए है,
क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। इफ इफ प्लेट्स आर एट रेस्ट, निकाल लोगे? तो देखो समझा देते हैं इसमें। देखो ये प्लेट क्या कर रहा है, ये प्लेट तो फिक्स ही है, मान लो इसको किसी तरह से फिक्स किया गया होगा तो ये फिक्स ही है, ये फ्री था मूव होने के लिए, लेकिन इसको भी क्या किया गया, एक रस्सी से बांध दिया गया है दीवार से, ठीक है। तो अब क्या किया गया, इसको जैसे ही दोनों पे चार देकर छोड़ोगे तो ये इसको इधर खींचना चाहेगा ना, ठीक यस है, ये इसको इधर खींचना चाहेगा, तो इस प्लेट पे इधर कुछ फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स देखो, तो अगर हम इस प्लेट का एफबीडी बनाए तो इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और बोला है कि ये रेस्ट में है, तो इसको रेस्ट में रोकने के लिए अगर इस पे इधर फोर्स लग रहा है तो इधर भी कोई रोकने वाला होगा ना, इसको कोई फोर्स लगाना चाहिए ना, सेम फोर्स इधर, तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा ना स्ट्रिंग का, ठीक है। यस हाँ, और ये अगर मान लो रेस्ट में है तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल, ठीक फोर्स है। और एफ कितना होता है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 AF सर टेंशन कितना आ गया, क्लियर है? सर ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही था, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है उससे करना, फिर ये रहा एक, ये भी था, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है। चलो, और जो भी फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला को क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। यस ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ये पेज जो है इसमें जितना भी फॉर्मूला है, प्लस इस पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इजी ही है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन भी आएगा तो इजी टाइप का, इसी सभी टाइप का आएगा, जो तीन चार एग्जाम्पल है, ठीक है, उसी टाइप का आएगा। और फिर ये फोर्स बिटवीन प्लेट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पे आ जा सकता है, ठीक है, सभी फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, यस सर, और जो भी क्वेश्चन है वो होमवर्क में कर लेना, क्लियर। यस सर, तो बताओ किसी को आज का क्लास में कोई डाउट है आज के क्लास से? एक नो सर, मिनट रुक जाओ, कोई डाउट नहीं ना है? नो सर, देखो एक ही पीडीएफ में ना इसको आज सेंड कर देंगे, कल का भी है, कल जो क्लास हुआ था ना उसका भी इसमें है, ठीक है, जो कल हुआ था ये सब, ये भी है, और इसी में एक कंबाइंड पीडीएफ आज सेंड कर देंगे, ठीक है ना, ग्रुप में। हाँ ऐसा कर देना। चलो, ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? सर डीपीपी के क्वेश्चन कुछ रहते हाँ थे वो सर। डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक है, ओके सर, एक बार चेक कर लेते हैं डीपीपी मेरे पास कहाँ है, भी खोजना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद कल उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके सर, ओके चलो, ठीक है, तो आप लोग लेफ्ट हो सकते हो, बाय 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 सभी सर। को, बाय।